हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रितिका, आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ बसंत पंचमी में लगने वाले सरस्वती जी के भोग को। तो जैसा आप सभी को पता है कि पीला रंग सरस्वती जी को बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको पीला ही भोग लगाया जाता है। तो ये मैंने येलो थाली तैयार की है और माता रानी को ज़रूर पसंद आएगी। आप सभी को अगर पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बना लेते हैं सब्जी। तो ये गाजर मटर की मैंने पहले सब्जी बनाई है और इसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच सरसों का तेल। अच्छा गरम होने देंगे, आधा छोटा चम्मच डालेंगे जीरा, अच्छे से चटकने देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे गाजर और हल्का सा भून लेंगे। फ्रेंड्स मटर भी डालकर हम भून लेंगे। और ये थोड़ा सा मैंने डाला है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डाल दिया है सब्जी मसाला, छोटा चम्मच डाला है मैंने रेड चिल्ली पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नमक डाल देंगे, ये मैंने डाल दिया है 1 टमाटर, बड़ा टमाटर था फ्रेंड्स ये, और मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर पकने देंगे। और ये देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है फ्रेंड्स लगभग। तो एक बार मैंने बीच में इसे और चला दिया था और सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। हरा धनिया डाल देंगे, बिल्कुल तैयार है ये सब्जी। तो चलिए अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स मैंने बनाया है येलो राइस, बस जीरा मटर का तड़का दिया है। तो ये मैंने तेल डाल दिया है और लौंग, इलायची, काली मिर्च, जीरा डाल दिया है, इसे अच्छे से चटकने देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे मटर, हल्दी पाउडर डाल देंगे फ्रेंड्स और बस हल्का सा भून लेंगे जब तक कि मटर हमारे पक जाएं। और ये है बॉइल्ड राइस। तो चावल मैंने पहले ही पका लिए थे, उसी से ही मैंने ये तैयार किया है येलो राइस। हल्का सा नमक डाल देंगे और रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं आलू गोभी की। तो ये मैंने आलू गोभी ले लिए हैं, काट लिया है, अच्छे से साफ़ कर लिया है। और कढ़ाई में डाल देंगे हम सरसों का तेल, इसी के साथ डाल देंगे मेथी। मेथी अच्छे से चटकने पर हम डाल देंगे गोभी और इसे हम भून लेंगे फ्रेंड्स। और ये आलू गोभी हमारे भून चुके हैं, इसे हम निकाल लेंगे। तो 2 मिनट के लिए मैंने ढक दिया था इसे ऐसे ही बिना मसालों के, और अब हम इसे निकाल लेंगे कढ़ाई से बाहर। तो ये देखिए इस तरह से आलू और गोभी हमारे हल्के से फ्राई हो चुके हैं। और उसी कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल। और ये मैंने पेस्ट बना लिया है फ्रेंड्स, इसमें है अदरक, टमाटर और हरी मिर्ची। तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया था क्योंकि लहसुन और प्याज का यूज़ तो हमें करना नहीं है। और इसे भी हम भून लेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे और सब्जी मसाला डालेंगे, अच्छे से मिलाकर इसे भी हम भून लेंगे। तो मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप। तो अब डाल देंगे हम आलू गोभी जो हमने फ्राई करके रखे थे, अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे ढककर। तो ये मैंने ढक दिया है और सब्जी बीच में हम चेक करते रहेंगे, 1-2 बार चला देंगे। तो ये लीजिए सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स, हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। तो चलिए बना लेते हैं पनीर की सब्जी। तो ये बनाई है मैंने पनीर की सब्जी। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल, अच्छा गरम होने देंगे, जीरा डाल देंगे और इसी के साथ मैंने डाला है 1 चम्मच बेसन, हल्दी पाउडर डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे, सब्जी मसाला डाल देंगे। इसी के साथ हम इसको भी भून लेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है फ्रेंड्स, इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा। और अब डाल देंगे हम टमाटर अदरक का पेस्ट, अच्छे से भूनेंगे। तो देखिए कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगे हमारे मसाले। इसी के साथ हम डाल देंगे पनीर, पनीर को भी अच्छे से हम इसी के मसालों के साथ भून लेंगे और पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, फिर मिलाया और फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम पकाएंगे। नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें। तो ये लीजिए सब्जी तैयार हो चुकी है हमारी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो फ्रेंड्स ये मैंने बनाया है हलवा,
ये है चने की दाल का हलवा। तो ये मैंने चने भिगो दिए थे, चने की दाल है ये, और इसे हम बॉयल करेंगे। तो 2 कप मैंने लिया है चने की दाल, भीगी हुई चने की दाल है। इसमें डालेंगे हम 1 कप दूध और सीटी लगने तक हम पकाएंगे इसे, उसके बाद हमें इसे पीसना है। तो ये फ्रेंड्स दाल हमारी पिस चुकी है, देख सकते हैं आप इस तरह से हमें बारीक पेस्ट बना लेना है। और कढ़ाई में डाल देंगे हम 2 चम्मच देसी घी, अच्छा गरम होने देंगे, उसके बाद अपने पेस्ट को हम डालेंगे और भून लेंगे इसे हम। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें इसे भूनना है। तो भूनते समय थोड़ा सा टाइम लगता है, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी हलवा बनता है ये। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे ये सूख रहा है और अभी धीरे धीरे ये अलग होने लगेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कलर इसका काफ़ी चेंज हो चुका है और ये देखिए अलग भी होना स्टार्ट हो गया है। और इधर हम दूध में डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर, तो येलो कलर मैंने डाला है क्योंकि हलवा हमें पीला बनाना है। आप चाहें तो ना भी डालें, बट भोग बना रहे हैं तो पीला रंग ज़रूरी है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और अब हम इसमें डालेंगे चीनी और दूध डालेंगे, मिलाते रहेंगे लगातार, और इसमें डाल देंगे अपना कलर जो हमने दूध में घोला हुआ था, और लगातार हम इसे चलाएंगे। और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक कि ये अच्छे से सूख ना जाए। और थोड़ा सा डाल देंगे इलायची पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे और सूखने तक हम इसे पकाएंगे। तो देख सकते हैं कढ़ाई से बिल्कुल अलग होने लगा है हलवा। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा हलवा और ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर देंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। ये बनाया है मैंने चने दाल की कचौड़ी। तो इधर मैंने दाल भिगो दी थी और ये अच्छे से फूल चुकी है। तो कढ़ाई में हम डाल देंगे सरसों का तेल, थोड़ा सा डाला है मैंने 1 चम्मच, और 1 चम्मच डाल देंगे जीरा। इसी के साथ हम डाल देंगे लाल मिर्ची, तो 4 लाल मिर्ची ली है मैंने। अच्छे से चटकने देंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे और डाल देंगे अपनी भीगी हुई चने की दाल को। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे कुकर में भी बॉयल कर सकते हैं। और नमक डाल देंगे, पानी डाल देंगे, अच्छे से बॉयल होने देंगे इसे। तो ये लीजिए मैंने इसे ढक दिया है और इसे पकने देंगे। तो ये दाल हमारी पक चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा चेक करेंगे दबाकर, तो देख लीजिए दाल हमारी बिल्कुल पक चुकी है और इसे हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है ग्राइंडिंग जार में और इस तरह से हम इसे पीस लेंगे। तो फिलिंग हमारी बिल्कुल रेडी है, नमक भी है इसमें और जीरा भी है, मिर्ची भी है। तो चलिए आटा लगा लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा रेडी कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट डो लगाना है फ्रेंड्स। और ये छोटी सी लोई काट ली है मैंने, इसे थोड़ा सा हम बेलेंगे, उसके बाद इसमें हम अपनी डालेंगे फिलिंग। तो इस तरह से हम इसे फिल कर देंगे, बहुत ही इजली ये बन जाती है। ऊपर का पार्ट हम निकाल देंगे और हाथों से थोड़ा सा शेप दे देंगे। और इधर कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, तेल भी अच्छा गर्म हो चुका है। इसमें हम डालेंगे अपनी कचौड़ियाँ और फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। तो ये देखिए कचौड़ियाँ हमारी दोनों तरफ से बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, फूल चुकी हैं। तो बस कचौड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना लेंगे और भोग की थाली बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। तो फटाफट से मैंने ये रेसिपी बनाई है। आपको कैसी लगी ये थाली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी अपलोड करूँ तो आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।